एक बार एक गांव में एक टीचर पढ़ाया करते थे। उनको घमंड हो गया कि उनकी वजह से उनके घर वाले खुश रह रहे हैं। एक बार उनके गांव में एक महात्मा आए। महात्मा के पास जाकर के उन्होंने बताया कि महाराज, मुझे लगता है घमंड हो गया है। तो बाबा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप गांव छोड़कर शहर चले जाइए। 2 साल बाद वापस आकर के देखिएगा कि आपके परिवार में सब कुछ वैसा ही चल रहा है। चुपचाप बिना किसी को बताए यहाँ से चले जाइए। बाबा जी की बात मानकर ये बंदा यहाँ से चला गया। बाबा जी ने गांव में बात फैला दी कि हमारे आश्रम में जो भक्त आए थे टीचर, उनको शेर पकड़ कर ले गया है, उनकी मौत हो गई है। टीचर के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनका एक बेटा था, बेटी थी, पत्नी थी। गांव वाले जो थे उन्होंने सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए, उनकी बेटी की शादी करवा दी। बेटे को सेठ ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। 2 साल बाद ये टीचर जब घर आए तो उन्होंने देखा कि इनके परिवार में सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तब इन्हें समझ आया कि इनकी वजह से नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से ये खुश थे, खुश हैं और खुश रहेंगे। ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि घमंड राजा रावण का नहीं चला, हम इंसानों का क्या चलेगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का घमंड मत कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।